लास्ट के 2 महीने में अगर ढंग की अप्रोच लेके चलोगे तो मॉक में नंबर भी इंक्रीज होगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपने फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुँचोगे और अपनी ड्रीम पोस्ट भी लेके जा सकते हो। मैंने कैसे करा था लास्ट के 2 महीने में, इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा और ये वीडियो लंबी खिंच सकती है, जिसने देख ली उसका ही फ़ायदा है। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ हूँ थ्रू SSC CPO 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48 और मैंने एडिशनल एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं और मैं अपनी ड्रीम पोस्ट तक अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पहुँचा था और मैंने अपना स्कोर कार्ड अपने इसमें शॉर्ट्स में डाल भी रखा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी खींच सकती है तो जिसने ये देख ली उसके लिए बेनिफिट है। फॉर्म में क्या है, आपको ये 4 मार्च से 28 मार्च तक आपके फॉर्म भरी जाएगी, ये तो स्टार्टिंग में ही भर लेना, पास वाली लोकेशन मिलने की संभावना होती है जो स्टार्टिंग में फॉर्म भर लेता है। ये जिसकी 20 से 25 है, जो CPO की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं कर रहे उनको बता देता हूँ, 20 से 25 साल हो। बाकी चीज़ इसमें 41874187 वैकेंसीज आई है, इसमें हिंदी नहीं आती इतनी। और दिल्ली पुलिस की जो सबसे ड्रीम जॉब होती है, दिल्ली पुलिस की इसमें मेल में 125 वैकेंसीज आई है, मेल की जनरल कैटेगरी की इसमें 45 वैकेंसीज है, जो कि बहुत ठीक ठाक वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, 2023 के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। फीमेल की 61 वैकेंसीज है टोटल और जो जनरल की है वो 28 है, ये सही है अपना। और अपना रिमेनिंग जो है अपनी CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की हो जाएगी। एग्ज़ाम इसका 9, 10 और 13 मई को होगा, 3 दिन में, 3 दिन इसका एग्ज़ाम होता है, नॉर्मली 3 दिन का ही होता है। और अपना अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं कि आप लोगों को क्या प्रेफरेंस बननी चाहिए, मेरे पिछली वीडियोस में जो मैंने डाली है उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने जो प्रेफरेंस बताई थी वो मैं बता देता हूं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, मैंने पहले दिल्ली पुलिस ऑब्वियसली, दूसरी CISF, तीसरी SSB, ITPP, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने SSB डाली थी, पहली दिल्ली पुलिस, दूसरी CISF, तीसरी SSB, चौथी ITPP, पाँचवीं BSF और छठी CRPF डाली थी मैंने, वो आप लोग देख सकते हो आपको कैसे करना है कैसे नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट के 2 महीने में मैंने क्या अप्रोच रखी थी, आपको क्या रखनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आप अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुँच सको बिना किसी भसड़ के, ठीक है। तो मैं पहले मॉक का बता देता हूँ भाई, बिना मॉक दिए अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो सरकारी नौकरी लग जाए, तो भाई बेकार है तैयारी करना। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और इन्हेंस करता है आपकी जो आपकी स्पीड है उसको। तो मैंने जो आपके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म के मॉक है आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने मॉक लगाए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है उसका अपनी वीडियो में, सॉरी YouTube चैनल पे, तो वो ये है कि मैंने टेस्ट बुक का मॉक यूज़ करा था। इसमें क्या है, आपको सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक्स आते हैं, फुल लेंथ मॉक आते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक्स आते हैं, ये सब मॉक देने को आपको मौका मिलता है और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। एक बार खरीदो और जितने भी एग्ज़ाम्स है उसकी सारी तैयारी करो, अपना मेन फोकस CPO का है तो CPO इसमें कवर हो जाएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान CPO के ही मॉक्स लगाए थे, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो सेक्शनल मॉक्स लगा लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर बुक से पढ़ लिए और फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, जो फुल लेंथ मॉक में नंबर आते हैं ना वो लगभग आपके इसमें अपने एक्चुअल पेपर में भी आएंगे। नहीं यकीन होता तो मेरे शॉर्ट्स में देख लेना जो मैंने डाला हुआ है। तो इसमें 2 आते हैं, एक ईयरली पास आता है, एक पास प्रो करके आता है। तो पास प्रो करके खरीदोगे ना तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले ही खरीदना क्योंकि पेपर से 1 महीना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो इसमें क्या है कि मेरा कोड यूज़ कर लेना HFS हसल फॉर SSC का शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब जिस पे मॉक नहीं है अगर वो उसे खरीदना है तो ये वाला खरीद लो, और भाई का कोड यूज़ करोगे तो अपना 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वरना कोई और प्लेटफॉर्म का करना चाहते हो तो वो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी मैंने मॉक का टॉपिक ही स्टार्ट करे तो मैं मॉक में बता देता हूँ अभी आपको। अभी मैंने क्या करा था, जो मैंने करा था मैं वो बताता हूँ। मैंने जो है पेपर से 1 महीना पहले से रोज़ मॉक देने स्टार्ट करे थे। अभी जैसे 2 महीने है ना, तो मैं अभी रोज़ मॉक नहीं दूंगा, मैं इस महीने में हफ्ते में 2 मॉक दूंगा और बाकी अपनी थ्योरी पे ध्यान दूंगा, और लास्ट के हफ्ते में मैं रोज़ मॉक दूंगा। और लेकिन अभी मैं बोलूँ, अभी जब आप मॉक देने लगोगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक मत देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बुक से कवर करोगे, वो मैं बताऊँगा कैसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक मत देना, अभी फुल लेंथ मॉक देना, वो टेक्स्ट बुक पे ही आता है फुल लेंथ मॉक। और लास्ट के महीने में
लास्ट के महीने में आप प्रीवियस ईयर मॉक देना, जितने प्रीवियस सपोज अगर इसमें 15 प्रीवियस ईयर मॉक है तो लास्ट के 15 दिन प्रीवियस ईयर मॉक देना और उससे पहले 15 दिन फुल लेंथ मॉक या इधर उधर सेक्शन मॉक ये सब देते जाना, ठीक है। कहने का मतलब है पेपर से जस्ट पहले अगर प्रीवियस ईयर मॉक्स दोगे ना तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड होने के चांस होते हैं, और जितना पेपर के नज़दीक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। तो इस हफ्ते क्या करता मैं, इस महीने क्या करता, हफ्ते में 2 फुल लेंथ मॉक देता और लास्ट के महीने में रोज मॉक देता जिसमें स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक ही देता और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक देता। लगभग तुम देखना 20 मिनट से आधा घंटा तुम अपना रीजनिंग को देना, ख़त्म बात। 20 मिनट से आधा घंटा रीजनिंग को देना, 5 से 10 मिनट अपना जीके को देना, कितने हो गए 40 मिनट, और 20 मिनट इंग्लिश को देना, आधा घंटा हो गया, वो सॉरी एक घंटा हो गया, और लास्ट का एक घंटा अपना मैथ को देना। ये मेरी अप्रोच रहती थी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ज़रूरी हो क्या फ्लो में निकल रहा है, ज़रूरी होते हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, इनकी आप भी किरण की ही बुक यूज़ कर लेना, चारों सब्जेक्ट की किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है, लेटेस्ट वाली आती है, अगर आपके पास कोई और है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, मैं वो बता देता हूँ, और किसी के पास कोई और है और लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं है तो वो भी बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन पहले किरण की बता देता हूँ। और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से करने लग जाना, जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनको टिक लगा लेना पेपर से पहले, वो टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस 2018 के बाद वाले ही करना। अपना चारों सब्जेक्ट्स की ये बुक अवेलेबल है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेस्ट बुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना यूज़ कर लेना ये फैसिलिटीज़, ठीक है, नहीं तो अमेज़न से खरीद लेना, वरना पास वाली बुक स्टोर से बुक्स खरीद लेना। और अगर कोई और प्रीवियस बुक है, बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है किरण ही करूँ, मैंने किरण यूज़ करी थी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई और बुक है वो खरीद लेना। अब दूसरी चीज़, मैंने जब किरण यूज़ करी थी तो उसमें मैंने पुरानी मतलब जब मैंने खरीदी थी उसके एक डेढ़ साल बाद मेरा पेपर निकला था, तो उस दौरान एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर लिए थे, ठीक है। तो अब मैं बार बार किरण की बुक तो खरीदूंगा नहीं, जो अभी खरीद रहा है उसको तो लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिनके पास प्रीवियस ईयर है वो क्या करे, तो वो RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, मैंने वही चैनल यूज़ करा था, RBE रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। इसमें सर क्या होता है, जो भी एसएससी लेटेस्ट पेपर्स लेती है ना, वो सर सब्जेक्ट वाइज PDF उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, चाहे CGL, CHSL, CPO, MTS, GD जितने भी SSC के एग्जाम्स हो सारे उनको कर लेना वहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। और अब बोलते हैं, अब आते हैं, मैंने मॉक बता दिया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिया आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करना। और अपना और मैं अपना एक करंट अफेयर्स का भी आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स में लास्ट के एक साल के करंट अफेयर्स ज़रूर करके जाना। अभी मई में है ना, तो अप्रैल के करंट अफेयर्स मत करना, मार्च तक के और उससे पिछले एक साल तक के करंट अफेयर्स करना। मैंने इंडोलोगस यूट्यूब चैनल यूज़ करा था, आपको योर यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हो आपके ऊपर, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स करना। और इसमें जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह ये सब, स्टैटिक जी के अलग है, ये करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट अलग है, उस पर ज़्यादा फोकस करना। ये इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, मैंने करा था। और जीके के लिए जो स्टैटिक पार्ट है वो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल रखी है पूरी स्टैटिक जीके, उसमें अगर कर सकते हो तो जरूर करके जाना, क्योंकि SSC आज के टाइम पे स्टैटिक जीके ज्यादा पूछ रहा है। और बाकी जो ये सब्जेक्ट वाइज जो है ना, मैथ कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे करनी है, GK कैसे करनी है, मैंने चारों सब्जेक्ट्स की वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो, अच्छे से डिटेल्ड वीडियो YouTube चैनल पर डाल दी है। मैं खामखा वही चारों चीज़ें इसमें भी एक्सप्लेन करूँ, मैं भी बोर हो जाऊँगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने चारों सब्जेक्ट की अच्छे से वीडियोस अपना YouTube चैनल के इसी पर डाल दिया, आप लोगों के लिए डाली है, उसको देख लेना। और मैंने मॉक बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर बता दिया, करंट अफेयर्स का बता दिया, ये सब बता दिया। और बिगनर्स के लिए मैं बता देता हूँ बस, इसमें अगर आप बिगनर हो, आपको तैयारी, आप देख रहे हो सोच रहे हो मैं आज ही से तैयारी कर लूँ, अब 2 महीने में पेपर निकले ना निकले किस्मत है, लेकिन आप तैयारी तो करोगे। पेड कोर्स खरीद लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो मैं फ्री में जहाँ से आप कर सकते हो, जहाँ से मैंने करा था वो बता देता हूँ, थोड़ा पुराने क्वेश्चंस है लेकिन बेसिक तो आ ही जाएगा। वाईफाई स्टडी पे NTPC की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, साहिल खंडेलवाल सर की, मैथ उस प्लेलिस्ट से कवर कर लेना। वाईफाई स्टडी पे ही दीपक सर की NTPC की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रीजनिंग वहाँ से कर लेना। इंग्लिश के लिए नीतू मैम का कोर्स खरीद लो भाई, मैं कोर्स खरीदने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने खुद ही वॉल्यूम 1 पढ़ी थी,
बेसिक्स के लिए नीतू मैम की, मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ा था, तो आपके पास टाइम कम है अपना नीतू मैम की बुक खरीद लेना और नीतू मैम का कोर्स खरीद लेना, जीके के लिए लूसेंट पढ़ लो या किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है जो मैंने बता रखी है वन लाइनर करके, वो खरीद लेना, वन लूसेंट से बेसिक कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे कर लेना किरण की बुक से। ये हो गया, अब और कुछ रहेगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू ज़रूर बताता रहूँगा, लेकिन अगली वीडियो ज़रूर डिटेल में आएगी कि मैंने मॉक कैसे अटैम्प्ट करता था, मैं कैसे क्या पढ़ता था, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना है तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। अभी तो यही चीज़ था भाई, मैंने कोई एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखा नहीं है, ये जो मेरे दिमाग में मैंने चीज़ें इसमें लिख दी और वो आप लोगों को बता दी। मेरा काम था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन बताना, मेहनत आपके ऊपर है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।